हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं इस चैनल पर फिर से पधारा हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए, आप बच्चों के लिए, ताकि आपको नई नई चीज़ डेली अपडेट करवा सकूँ। तो हमारे इस चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और आज मैं आपको इंग्लिश का एक पहला अध्याय दूंगा। अध्याय जैसे हम कहते हैं कि पहला लेसन, इंग्लिश का पहला लेसन अपने को जो क्या चीज़ सिखाएगा। आज से आप ये चीज मान के चलिए इंग्लिश की आपकी शुरुआत होती है। इससे पहले मैंने आपको दो तीन वीडियोस दी, उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस मेंशन करवाया कि कौन सा सिलेबस हमारे एग्जाम में आने वाला है, कौन सा सिलेबस हम किस वे से करेंगे। तो सबसे पहले ये जो जो सारे जो जो बच्चे जो मेरे इस चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले जाकर वो बच्चे उस वीडियोस को देखें, उस वीडियोस के साथ जुड़े, और फिर उसके बाद उन बच्चों को ये पता चलेगा कि क्या क्या सिलेबस इसके अंदर रहेगा। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने सारी चैनल सारी वीडियोस उसमें अपडेट की हैं और आज से हमारे इस वीडियोस की शुरुआत होती है, हमारे इस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है और हमारे इस चैनल की शुरुआत होती है, जिसके अंदर इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी चीजें दी जाएंगी। एक और कभी कभार क्या होता है, जैसे आपा कहते हैं कि बच्चे मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं तैयारी कैसे करूं, मैं इसको सब्सक्राइब कैसे करूं या मैं इसकी पेमेंट कैसे करूं, तो बच्चे मेरी तरफ से एक ऑफर यही है कि पेमेंट मेथड को मत लेके चलिए। अगर कोई बच्चा किसी तरीके से पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा किसी तरीके से इंग्लिश की क्लास लगाना चाहता है, इंग्लिश के बारे में सारी क्वेरीज लेना चाहता है, इंग्लिश के बारे में सारी कंफर्मेशन लेना चाहता है, तो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। ये जो नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, और आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई भी आपने क्वेरीज लेनी है, कोई भी आपने जानकारी लेनी है, वो सारी की सारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और इस नंबर के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फीस आपके लिए बाधा नहीं बनेगी किसी भी तरीके से। उन बच्चों को सलाम है जो बच्चे हर तरीके से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। तो जो ऑनलाइन का माध्यम है, जो ये यूट्यूब का माध्यम है, ये आपको हर एक चीज देता है, जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट चीजें मिलेंगी, जिसके अंदर आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी, हर एक टॉपिक्स की जानकारी मिलेगी, हर एक चीज की नॉलेज दी जाएगी। तो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि नई से नई वीडियोस आपको डेली मिलती रहे और नई से नई वीडियोस हम डेली आपके माध्यम से और आपके उत्साहितपन से हम इस वीडियो को डेली अपडेट करते रहे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या चीज पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। हमारा पहला दिन है, शुरुआत है हमारी इंग्लिश की, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले हम किस चीज को जानते हैं, किस चीज को पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्या चीज है ये? हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हो। मोस्ट ऑफ क्या होता है बच्चे, जब हम किसी तरह से कोई इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के अंदर एक ही सवाल सबसे पहले, जब हम किसी तरह से किसी स्कूल में गए, किसी कॉलेज में गए या किसी कंपनी में गए, किसी एजेंसी में गए, ETC, कहीं भी अगर आप जाते हैं जहां हम अपने आप को काबिल मानते हैं। काबिल मानने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी तरह से स्कूल के रिगार्डिंग, टीचर के रिगार्डिंग अपनी पोस्ट इंप्लीमेंट करना चाहता है, अपने आप को एबिलिटी दिखाना चाहता है, फिर उसके बाद कभी कभार कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट जब अपने आप में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कॉलेज के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ बीटेक एमटेक या बड़ी बड़ी डिग्रियां करके उसके बाद बच्चे कुछ कंपनी वगैरह में अपने आप को जॉब के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो जब ये सारी सारी की चीजें हमारे सामने आने लग जाती हैं, तो हमारे सामने घूम फिर के एक ही चीज आती है, क्या? हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि इंग्लिश में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, क्या क्या चीजें जाने, क्या क्या चीजें समझें, किस किस चीज के बारे में पढ़ें या क्या लाइन वाइज लेकर चले। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग मैं आज ये वीडियोस आपको दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज बताऊंगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। अभी जस्ट मैंने आपको पॉइंट दिए हैं और इस पॉइंट के हिसाब से मैं आपको
लाइन टू लाइन हर एक चीज इसमें रिटन वे में दूंगा, ताकि बच्चे आप उसकी रिवीजन भी कर सको और जिसकी और इस वीडियो को आप अपने पास भी रख सको। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी ग्रीटिंग्स की। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स क्या चीज होती है? ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप मोस्ट ऑफ कहीं भी गए, आपको इंटरव्यू की तरफ से एक कॉल आता है और आपको ये बात बताई जाती है, ये चीज बोली जाती है कि सर या मैम आज आपका इंटरव्यू है। ओके, आप अपने टाई शाई लगा के, आप बढ़िया से तैयारी करके, फिर उसके बाद आप अपने इंटरव्यू से पहुंच गए, और इंटरव्यू पे जाने के बाद आपने वहां रिसेप्शन पे कोई भी बैठा होता है, रिसेप्शन पे आपने बोल दिया कि उसको अपने बारे में ग्रीटिंग के बारे में बोला कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे करके यहां से आया हूं और इतने बजे से लेके इस पोस्ट के लिए मैं इंटरव्यू देने आया हूं। और ये जब आप इंग्लिश में बोलोगे, मैं आपको ये सारी चीज लिख के बताऊंगा, सारी एक एक चीज समझाऊंगा, ये सारी चीजें आपको ग्रीटिंग। फिर उसके बाद जब आपको किसी तरीके से ये बोल दिया जाता है, जब आप किसी कंपनी के मालिक, किसी स्कूल के मालिक, किसी कॉलेज के मालिक, किसी एजेंसी के मालिक या कोई ओनर है, तो ओनरशिप के सामने जब आप बैठते हो किसी तरीके से, तो वहां पे आपको ऑफर दिया जाता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में बताइए, फिर आप उनका थैंक देम करके और जो आगे की लाइंस होती है उसकी शुरुआत कर देते हो, उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हो। फिर सबसे पहले आप अपना नेम बता देते हो, नेम क्या है, कैसे बोलते हो, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज, इस तरह से, या जिस जो भी आपको ये एक नेम दिया जाएगा, जो भी आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, जो भी लाइंस दी जाएगी, वो सारी की सारी लाइंस आपको नेम के अकॉर्डिंग इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। फिर उसके बाद किस प्लेस से हो, किस जगह से रहते हो, किस जगह में रहते हो, और जैसे मान लीजिए आप सिरसा से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, राजस्थान से हो, किसी सिटी से हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस प्लेस का नाम बोल देते हो कि मैं यहां से हूं। फिर उसके बाद योर जॉब टाइटल, जॉब टाइटल मतलब कि आप किस तरह की जॉब के लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, किस तरह की जॉब के लिए आए हो या किस पोस्ट के लिए आए हो। फिर आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए किस पोस्ट पे हो, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए इंप्लीमेंट करते हो, फिर आप अपने जॉब के बारे में बताते हो कि भी मैं वहां पे था और मैं ये जॉब कर रहा था और ये मेरी पोस्ट थी और मेरी जॉब वहां पे ये थी और इस तरीके से मैं काम कर रहा था। फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हो। पर्सनैलिटी मतलब जैसे आप माने कि कैसी पर्सनैलिटी, बोलने की पर्सनैलिटी, पहनने की पर्सनैलिटी, रहने की पर्सनैलिटी, आने जाने की पर्सनैलिटी, हाउ, जैसे आप कहते हैं ना कि हाँ भी इसका बोलचाल कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है, या वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में काउंट हो जाती हैं। आपके बैठने का तरीका क्या है, आपके उठने का तरीका क्या है, आप किसी से, सामने वाले पर्सन से किस तरीके से बात करते हो, ये सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की हुई है, कितनी क्वालिफिकेशन की हुई है, और क्या है, आपने कौन कौन सी डिग्रियां किस जगह से और कहां से ली हुई हैं, वो सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपने बता दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, स्किल्स, कि आप में किस तरह की स्किल्स है। अब स्किल्स माने तो स्किल क्या चीज, कंप्यूटर के रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आपकी जो भी है, वो सारी की सारी जो आपकी स्किल्स में आ जाती हैं, वो चीजें, आप कितना कर सकते हो काम, क्या चीज कर सकते हो, आप में आपकी मेन स्किल्स किस चीज के अंदर है। फिर उसके बाद आपने क्या काम किया, कितना काम किया, और कौन सी कंपनी के अंदर आपने कितना एक्सपीरियंस लिया, वो सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंस में काउंट हो जाती हैं। फिर अगर सामने वाला पर्सन आपसे किसी तरह से अपनी फैमिली के बारे में पूछ लेता है, तो आप अपनी फैमिली के बारे में सारा इंट्रोड्यूस करते हो कि मेरे इतने बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं, या जो आपकी फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता देते हो। फिर उसके बाद आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप क्या खेलना पसंद करते हो, क्या खाना पसंद करते हो, क्या बोलना पसंद करते हो, कहाँ रहना पसंद करते हो, ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो सारी आपकी हॉबीज में आ जाती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है एंड ऑफ योर आंसर। अब ये एंड ऑफ योर आंसर है, ये क्या चीज है, इस एंड ऑफ योर आंसर में आप उनको थैंक्स देम बोल सकते हो, भाई अब मैंने अपने बारे में सारा कुछ बता दिया और अब मैं अपने बारे में आपको लास्ट में एंड ऑफ आंसर, मेरा आंसर ये है और मेरी सारी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी पर्सनैलिटी ये है, मेरा नेम ये है, मैं यहां से हूं, मैं ये जॉब करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, ये मेरी फैमिली है, ये जॉब है और ये सारी बातें हैं। तो ये जो अब सारी बातें मैंने आपको हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ के अंदर बताई, अब ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको वन बाय वन
एक बाय एक तरह से टॉपिक्स वगैरह टॉपिक्स जैसे लिख के फिर उसके बाद आपकी उसके लिखने का और उसको बोलने का तरीका बताऊंगा कि मतलब ग्रीटिंग्स के अंदर क्या बोला जाता है, थैंक देम के अंदर क्या क्या बातें बोली जाती हैं, ये सारी बातें इसके अंदर और इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से ही आपको डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और डेली आप हमारे ऐसी ऐसी वीडियोस और जो भी हमारे मित्रगण हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम क्या करते हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए आपको एक अच्छी चीज देने के लिए डेली हम हमारी ऐसी वीडियोस अपडेट करते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकें और ज्यादा से ज्यादा हमें इन चीजों के लिए फॉलो कर सकें। और किसी तरह से अगर बच्चे को कोई भी अगर कोई बच्चा लगता है कि नहीं मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है मैं पढ़ नहीं सकता, तो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी तरीके से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि पैसा लग जाएगा ये लग जाएगा, आपको हर एक चीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स। हां जी सर, आ जाओ सर जी।